कल हम लोगों ने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को समझा था आज हम लोग समझेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे ठीक द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ द लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कैश एक्वेलेंस जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज होती हैं, वो क्या होती हैं? ऐसी एसेट्स लॉन्ग टर्म एसेट्स या अदर इन्वेस्टमेंट का डिस्पोजल करना या एक्विजिशन करना जो कि कैश में नहीं आती हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं इसी में दीज एक्टिविटीज इंक्लूड ट्रांजेक्शन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स ऐसी जो एक्टिविटीज होती हैं, ये किस में इंक्लूड होती हैं, जो परचेज और सेल जो कि लॉन्ग टर्म एसेट्स हो ठीक विच आर नॉट हेल्ड फॉर रीसेल जो कि रीसेल के लिए ना परचेज की जा रही हो ठीक Such as plant and land and etc. इसमें क्या क्या आ सकता है हमारा प्लांट एंड मशीनरी आ सकती है लैंड और बिल्डिंग आ सकती है और भी चीजें होती हैं ठीक इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट्स दैट आर नॉट इंक्लूड इन कैश एंड कैश इक्वेलेंट सच एज करेंट इन्वेस्टमेंट अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज अब जो इन्वेस्टमेंट होते हैं इसमें कौन से इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं किए जाते हैं जो कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं जैसे करंट इन्वेस्टमेंट अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटी ठीक है इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूड इन्वेस्टमेंट मेड इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड अदर इन्वेस्टमेंट बाय द एंटरप्राइज विद टू जनरेट इनकम एंड कैश फ्लो ठीक इन्वेस्टमेंट होता है इसमें क्या इंक्लूड होता है जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं और अदर इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं जो एंटरप्राइज से जिनका मेन पर्पस होता है हमारा इनकम जनरेट करना और बाद में कैश फ्लो ठीक अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है इसको समझते हैं इन दिस इन क्वेश्चन, इफ द टर्म यूज इज इन्वेस्टमेंट एन द करेंट एसेट्स इट इज टू बी टेकन एज कैश इक्विवेलेंट अगर करंट एसेट्स के अंडर में इन्वेस्टमेंट टर्म यूज किया गया है तो उसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट समझेंगे ठीक है नॉन कैश इक्विवेलेंट नहीं समझा जाएगा ठीक आगे बढ़ते हैं इसी में एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आप कोई भी पेमेंट ऑफ फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स किसी भी फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए पेमेंट अगर किया जा रहा है इसमें इन एसेट्स भी इंक्लूड होती है रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स इंक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट्स किसी भी फिक्स एसेट्स को सेल करके जो भी रिसिप्टें मिल रही है, वो इसको हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में मानते हैं ठीक पेमेंट फॉर परचेज ऑफ सिक्योरिटीज किसी भी सिक्योरिटी को परचेज अगर किया हो जिसमें शेयर हो गया वॉरट्स हो गया डिवेंचर्स बॉन्ड्स डेप्ड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अदर इंटरप्राइज ठीक है इन द केस ऑफ नॉन फाइनेंशियल कंपनी receipts from sale of securities, share, warrants, debentures, bonds, debt instruments of the other enterprise in the case of non-financial companies, advances and loans made to third parties, other than advances and loans made by a financial enterprise. receipts from repayments of advance, And loans made to third parties other than and loans made by financial enterprise. Clear है इसमें ये ये हमारी activities आती हैं। आगे बढ़ते हैं इसी में example देखते हैं हम लोग अब example में क्या पूछ रहा है वो उसको समझते हैं दो एग्जाम्पल्स से उसको देखते हैं हम लोग तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है थर्ड आइडेंटिफाई द्रांजेक्शन दैट आर क्लासीफाइड और शोन एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ठीक अब कुछ ट्रांजेक्शन यहाँ दिए गए हैं अब वो ट्रांजेक्शन हमें कैसे पता चलेंगे कि वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं जैसे कैश प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट दिया है कैश पेड फॉर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है रिपेमेंट ऑफ लोन टेक एन एडवेंचर परचेज द लोन एडवांस जो है परचेज ऑफ पेटेंट्स है अब इसमें क्या है जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है तो सबसे पहला हमारा है कैश प्रोसीज फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स अब यहाँ पे फिक्स एसेट्स हम सेल कर रहे हैं उससे हमें कैश मिल रहा है तो ये क्या हो गई हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा हमारा ये ठीक है सेकेंड है हमारा रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन नहीं आएगा ठीक है जो भी लोन टेक लिया है हमने उसका रीपेमेंट कर रहे हैं स्टॉक एंड ट्रेड ले रहे हैं उसका भी हम आ, सेल कर देंगे उसको भी जल्दी क्योंकि तो ये हम लोग रीसेल के लिए ले रहे हैं ठीक है हमें वन टाइम एसेट लेनी है और उसका लॉन्ग टर्म यूज का देखते हैं हम लोग इसमें अब जैसे यहाँ पे हमने किया है डिबेंचर्स परचेज किए हमने ठीक है डिबेंचर्स परचेज किए हमने ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा लोन एडवांस्ड है हमारा ये भी लॉन्ग टर्म के लिए होगा और परचेज ऑफ पेटेंट्स है ये भी लॉन्ग टर्म के लिए है ठीक है तो जो कैश प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हो गया है उसके बाद परचेज हो गया लोन एडवांस हो गया परचेज ऑफ पेटेंट्स हो गया ये सब जो है लॉन्ग टर्म यूज के लिए है ठीक है बस स्टॉक इन ट्रेड और रीपेमेंट ऑफ लोन टेकिंग जो है ये शॉर्ट टर्म यूज के लिए होता है इसलिए इनको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नहीं रखा गया है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में ट्रांजैक्शन डेट इज ऑलवेज क्लासिफाइड एज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अलॉन्ग सर्च क्लासिफिकेशन ठीक हमें एक ऐसी ट्रांजेक्शन बतानी है जो हमेशा उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ही रखा जाता है और उसका एक रीजन भी बताना है ठीक पेमेंट टू वर्ट परचेज ऑफ फिक्स ठीक है एज इट इज नॉट परचेज फॉर रीसेल जो पेमेंट टू परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स होता है ठीक है उसको हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही रखते हैं हमेशा क्योंकि जो फिक्स एसेट्स परचेज की गई है उसको रीसेल के लिए परचेज नहीं किया गया है एग्जाम्पल है जैसे परचेज ऑफ बिल्डिंग फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज गुडविल एक्सेट्रा इनको रीसेल नहीं किया जाता है ठीक ये लॉन्ग टर्म यूज करने के लिए होती है ठीक आगे बढ़ते हैं इसी में नेक्स्ट इसमें आता है हमारा थर्ड पॉइंट है फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो ये थर्ड एक्टिविटी है हमारी ठीक है दो एक्टिविटी अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं पहली पढ़ चुके हैं हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी दूसरी पढ़ चुके हैं हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरी अब है हमारी ऑपरे सॉरी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज तो अब ये क्या होती है इसको समझते हैं फाइनेंशिंग एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज विच रिजल्ट इन चेंज इन साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल एंड बोरविंग ऑफ द एंटरप्राइज फ्रॉम द अदर सोर्स जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती है ऐसे एक्टिविटीज क्या होती है जिनका एज अ रिजल्ट ठीक है जिसके रिजल्ट से जो साइज होता है या जो कंपोजिशन होता है ओनर्स कैपिटल का वो चेंज हो रहा हो या जो बोरविंग्स हैं एंटरप्राइज की फ्रॉम अदर सोर्सेज उनमें कुछ भी चेंजमेंट आ रहा हो ठीक है उसको बोलते ऐसी एक्टिविटीज को बोलते हैं हम लोग फाइनेंशिंग एक्टिविटीज सिंपल सा अगर दूसरे वर्ड्स में देखा जाए तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी ठीक है जो बिजनेस के साइज उसकी बोरविंग उसके कंपोजिशंस या उसकी जो ओनर्स कैपिटल है उसमें किसी भी तरीके का चेंजमेंट अगर लाती है तो ऐसी एक्टिविटीज होती है हमारी फिनेंसिंग एक्टिविटीज दस इंक्रीज इन शेयर कैपिटल

from the issue of share and other similar instruments tick proceeds from the issue of debentures loan bonds and other short-term borrowings payment of buyback of equity shares repayment of the amounts borrowed including redemption of debenture payment of dividends

एक एग्जाम्पल इसका समझ लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसी में तो अब इस एग्जाम्पल में क्या कह रहा है यहाँ पे ऑफ़ द आईडेंटिफाई ट्रांजेक्शन एक्टिविटी हमें कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन को देखना है जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिए जाते हैं ठीक है अब जिसमें क्या दिया हुआ है रिपेमेंट ऑफ लोन टेकन है फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर है

जिससे बिजनेस के किसी भी साइज या जो कैपिटल है या जो बोरविंगस है उसमें कोई भी चेंजमेंट अगर आता है वो एक्टिविटीज होती है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी अब इसमें क्या क्या लेंगे हम लोग रिपेमेंट ऑफ लोन टेकन जैसा मैंने ऊपर बताया था इसको लेंगे दूसरा लेंगे प्रोसीज फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर ठीक है थर्ड लेंगे हम लोग रिडम्शन ऑफ प्रिफरेंस शेयर हो गया डिवेंचर सब्सक्राइब बाई कंपनी नहीं लेंगे ठीक है रिडम्शन ऑफ प्रिफ्रेंस शेयर हो गया इसको लेंगे हम लोग इंटरेस्ट पेड हो गया डिविडेंड पेड हो गया इनक्रीज इन बैंक ओवर ड्राफ्ट और कैश क्रेडिट हो गया इसको लेंगे इशू ऑफ बोनर शेयर को नहीं लेंगे तो ये जो एक्टिविटीज हो गई इससे कहीं कही ना कहीं हमारी कैपिटल और जो बोरोविंग्स है उसमें चेंजमेंट हो रहा है या जो साइज है बिजनेस का उसमें चेंजमेंट हो रहा है इसलिए इन एक्टिविटीज को फाइनेंशियल एक्टिविटीज में लिया गया है ठीक है अब एक एग्जाम्पल इसी में और है छोटा सा उसको देख लेते हैं क्या है ठीक है तो अब इसमें क्या दिया हुआ है हमें स्टेट ऑफ ट्रांजेक्शन दैट इज ऑलवेज क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल एक्टिविटीज विद रीजन ठीक है अब पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज ऑलवेज क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल एक्टिविटी जो पेमेंट ऑफ डिविडेंड है उसको हम लोग ऑलवेज फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही क्लासीफाई करते हैं बिकॉज़ इट इज़ अ पेमेंट रिलेटिंग टू शेयर कैपिटल विच इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी और किस इसलिए क्योंकि ये जो पेमेंट होता है ये शेयर कैपिटल से रिलेट करता है जो कि एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे